देवास जिला अस्पताल में शनिवार सुबह उपचार के दौरान शुभम राजपूत निवासी रोजड़ी की मौत हो गई। परिजनों ने जिला अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि हम परसों शुभम को देवास के जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां युवक को ब्लड की कमी बताई गई थी। हमने उसका टेस्ट भी करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने सही से इलाज नहीं किया। हंगामे के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल तिराहे पर ही जमकर हंगामा कर चक्का जाम कर दिया। वहीं रैली निकालते हुए उज्जैन चौराहे पर चक्का जाम किया। जो रोजड़ी ग्राम का था शुभम नाम का, वो कल उसका भर्ती होना बताया गया। कुछ लोगों ने परसों भर्ती होना बताया है। उसकी आज सुबह मृत्यु हुई। मृत्यु को लेकर स्वाभाविक नई उम्र का बच्चा था, उसके परिजन आक्रोश में थे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा चक्का जाम के और विभिन्न मांगे रखी गई थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से एडिशनल एस पी साहब और मैं पहुँचा और हम लोगों ने बातचीत की। ऑनरेबल विधायक जी हट पिया के आ गए थे। विचार विमर्श में तय ये हुआ था कि मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी, तो उसकी घोषणा मैं पहले ही कर चुका था। मजिस्ट्रियल जांच में रहकर साहब को ब्रीफ भी कर दिया, वहाँ से ऑर्डर निकलता। दूसरी डिमांड थी कि पैनल डॉक्टर से पीएम कराया जाए, वो भी उनकी डिमांड मान ली गई है, और जिसमें उनका पीएम होगा और उसकी वीडियोग्राफी होगी। सारे दस्तावेज और डीडीआर को मैंने सीज करने के आदेश। आर्थिक सहायता अभी तात्कालिक तौर पर 20,000 रुपये की रेडक्रॉस से दी गई है। ऑनरेबल विधायक जी ने भी 25,000 रुपये देने की घोषणा की है, हमारी तरफ से दे दिया गया है तत्काल मौके से। बाकी जो कुछ आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रियाएं होती हैं, तो वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र इस परिवार को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। परिजनों को समझाइश के लिए हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी पहुंचे, जिन्होंने सभी मांगे पूरी करने की बात कही। वह जिला प्रशासन से कुछ मांग रखी। एसडीएम बिहारी सिंह ने भी उक्त विषय में मजिस्ट्रियल जांच के लिए परिजनों को आश्वासन दिया, साथ ही रेडक्रॉस से 20,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही। शुभम जो उपचाररत थे, उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई है, जिसको लेकर परिजनों के कुछ ग्रीवेंसेस से शिकायत थी, उन्होंने उसको लिखित में लिया है और एसडीएम साहब ने वो ज्ञापन भी ले लिया है। साथ ही साथ अभी जो मांग की गई थी पीएम रिपोर्ट में टीम से, तो उसको करवाया जा रहा है, साथ ही उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और अन्य जो उसकी मांग है उसको विधिवत जांच की जा रही है। विधायक मनोज चौधरी ने भी अपनी ओर से 25,000 की राशि देने की बात कही है और उनकी मांगों को लेकर भी आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने चक्का जाम खत्म किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देवास।